Disha once again back with the super series of the superhero Hanuman. तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, शायद आप भी देख रहे हैं। तो मेरी ये वीडियोस सबके लिए, खास करके बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, ओके? तो आज जिस गुण के बारे में मैं कहने वाला हूँ हनुमान का, वो है उनका एक नाम। उनका एक नाम है संकट मोचन, अर्थात इसका अर्थ है जो दूसरों का संकट दूर करता है। हनुमान इज कॉल्ड संकट मोचन बिकॉज ही रिमूव द डिफिकल्टीज फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द पीपल। अक्सर लोग ये बात कहते हैं, शायद आपने भी सुना होगा, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। लोग बोलते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, विच मीन्स इन इंग्लिश इट मीन्स दैट डू नॉट टेक टेंशन, गिव टेंशन। आपको लगता है हनुमान ऐसा था? हनुमान टेंशन नहीं देते थे। हनुमान का काम था दूसरों का जो टेंशन है वो ले लेते, दूसरों का दुख ले लेते। तो बच्चे, जब आप अपने मित्रों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यदि आप हनुमान के फैन हैं, यदि आप सुपर हीरो को मानते हैं, हमारा काम क्या होगा? दूसरों का तकलीफ दूर करें। और मेरा फिलोसॉफी है, वो है मेक लाइफ इजी फॉर अदर्स। जितना हो सकता है दूसरों की जिंदगी को आसान बनाइए। ये एक प्यार दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हम रास्ते में जाते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, ये हमारी सोच है। यदि हम चाहते हैं दूसरों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं, जैसा रावण ने किया था। रावण हनुमान का बिल्कुल विपरीत था। उनके पास बहुत सारा ज्ञान था, वेदों का ज्ञान, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए संकट पैदा किया, अपने स्वार्थ के लिए ही ज्ञान का प्रयोग किया। वहां पर हनुमान जो इतना ज्ञानी थे, हमेशा ये सोचा मैं अपना ज्ञान का प्रयोग करूं दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों का तकलीफ दूर करने के लिए। सो हनुमान used his knowledge, his wisdom, his powers to remove the problems from the lives of the people. So young children, I have a humble appeal to you, never go with the theory tension lene ka nahi tension dene ka, ye galat hai, that is wrong. If you want to follow the superhero Hanuman, okay, as far as possible try to remove the difficulties from the lives of the people and people will love you, okay. Hamare sabke andar ek Hanuman chupa hua hai, सिर्फ उसे दिखाना है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, आज नहीं तो कल लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। थैंक यू।